आउज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आकिफ शहजाद बुसाल, बुसाल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम आपको बताएंगे कि अक्सर क्लाइंट्स हमारे हमसे पूछती हैं कि घर कहाँ पे बनाना चाहिए, जहाँ पे हमें फ़ायदा भी हो, हमारे प्लाट की कीमत भी बढ़े और हमारे घर की कीमत भी बढ़े। हर बंदे के पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, कुछ के पास कम होती है, फिर उनको उस हिसाब से सोसाइटी के बारे में बताना पड़ता है। लेकिन जिनके पास इन्वेस्टमेंट है, जिनके पास 5 मरले का प्लाट लेने के लिए 70-80 लाख रुपये, उनके लिए 4 से 5 सोसाइटीज़ हम सजेस्ट करते हैं और इंशाल्लाह आपको वो पसंद भी आएंगी अगर आप उनको विजिट करेंगे। सबसे पहले आप टॉप मुमताज़ में आ जाएं, उसके बाद आप फैसल टाउन। फैसल टाउन बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट है। फैसल टाउन के अंदर अगर आप अपना घर बनाते हैं या आप रहते हैं तो आपको लिविंग स्टैंडर्ड का अंदाज़ा होगा। B17 है, ज़बरदस्त सोसाइटी है। इसके बाद फैसल हिल्स है, उसके थोड़े रेट्स भी कम है लेकिन उसका स्टैंडर्ड जो है वो बहुत अच्छा है। मोटरवे के साथ साथ अगर आएँ तो ये आपके लिए सोसाइटी जितनी भी हैं ये बेस्ट सोसाइटीज़ हैं। आप फैसल हिल से स्टार्ट करके फैसल टाउन आ जाए, B17 है, B17 में आप आ जाएं, टॉप है, मुमताज़ है, एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन है। एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन के रेट अभी कम है, रेट से भी कम है लेकिन वो उसकी लोकेशन जो है वो बहुत अच्छी है। तो ये जितनी भी सोसाइटीज़ हैं जिन जो लोग हमसे मशवरा लेते हैं घर कहाँ पर बनाना चाहिए, तो उनके लिए ज़बरदस्त जगह है। यहाँ पर किसी भी सेक्टर में आप अपना घर बनाएं, आपको सारी सहूलतें मिलेंगी। आपके बच्चों के स्कूलिंग होगी, आपकी जो कमर्शियल एक्टिविटी होती हैं, स्पोर्ट्स क्लब हैं, जिम में सारी हर चीज़ आपकी ज़रूरत की जो है चीज़ें। इस्लामाबाद आपका यहाँ से करीब है। अगर आप भी फैसल टाउन में लेते हैं तो आपका मरगला एवेन्यू आपको पता है वो ओपन हो चुका है, वहाँ से भी आप इस्लामाबाद डायरेक्ट आपकी एक्सेस है। तो ये सोसाइटीज़ जो हैं नई सोसाइटीज़ हैं, इसमें प्राइवेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, इनमें डिवेलपमेंट अच्छी होती है क्योंकि डिवेलपर को ये लगता है कि जब तक मैं डिवेल्प नहीं करूँगा लोग मेरे सोसाइटी में कैसे आएंगे या इन्वेस्टमेंट कैसे लोग करेंगे, तो उनको अपना लालच होता है, इसलिए वो बहुत अच्छी सोसाइटी डिवेल्प करते हैं। और अब तो एक से एक बढ़कर डेवलपर आ रहा है, वो सोसाइटीज बना रहा है, मुकाबला लगा हुआ है इस वक्त। जिसकी अच्छी बनेगी वही बिकेगी और यही चीज़ है कि जो अच्छी बनाएगा वो ही सोसाइटी बिकेगी, बाकी कोई सोसाइटी नहीं बिकेगी। तो जो लोग घर बनाना चाहते हैं इस्लामाबाद में, उनके पास इन्वेस्टमेंट अच्छी है, तो वो इन सोसाइटीज़ में अपना घर बना सकते हैं। इंशाल्लाह ये यकीन के साथ हम कह सकते हैं कि एक तो लोकेशन अच्छी है, दूसरा अभी भी रेट्स वहाँ पर मुनासिब हैं, दूसरा लाइफ स्टाइल अच्छा है आपकी सिक्योरिटी पर्पज़ के हिसाब से, बाकी किसी भी चीज़ के हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये सोसाइटी ज़बरदस्त हैं। आप इनको चेक कर सकते हैं, इनकी रेशियो चेक कर सकते हैं कि सोसाइटीज़ के अंदर आपको पता है कि चोरियाँ डकैतियाँ कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे क्राइम होते रहते हैं, लेकिन इन सोसाइटीज़ के अंदर पिछले काफ़ी टाइम से आज तक हमने नहीं सुना कि कोई ऐसी डकैती हुई हो, कोई वारदात हुई हो, किसी ने कोई मोटरसाइकिल लिया हो, क्योंकि हम भी इंशाल्लाह पिछले 5-6 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, इन सोसाइटीज़ का काम कर रहे हैं। तो ये सोसाइटीज़ हैं, ये मैं रिकमेंड करता हूँ कि घर बनाने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे अच्छी सोसाइटीज़ हैं। आकर्षा बुसाल, बुसाल मार्केटिंग से।